नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर। देश में पेट्रोल और डीजल के साथ ही अब घरेलू गैस के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में आम आदमी पर महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। राजधानी पटना में तो ऑटो और बस का किराया भी 20-30% तक बढ़ गया है। बिहार में पेट्रोल की कीमत 90 रुपये के पार चली गई है, तो वहीं डीजल की कीमत भी 90 रुपये के आसपास पहुंच गई है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से भी ऊपर चली गई है। देश में बढ़ रही महंगाई की मार के बीच पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मेघालय, असम और नागालैंड में इस साल पेट्रोल और डीजल के दामों में वैट के रूप में जो है कटौती की गई है। लेकिन यह काफी नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार अभी भी एक्साइज में कटौती के मूड में नहीं है। ऐसे में पूरे देश में पेट्रोलियम पदार्थों पर GST लगाने की बात कही जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास भी यह कह चुके हैं कि सरकारों को टैक्सेस में कटौती करनी चाहिए। अभी पेट्रोलियम और डीजल की कीमत में टैक्सेस का हिस्सा बहुत ज्यादा है। पेट्रोल की कीमत में करीब 60% का हिस्सा टैक्स का ही होता है। करीब 36 रुपये लीटर की लागत से आने वाले पेट्रोल दिल्ली में 91 रुपये के आसपास बिक रहा है, यानी कि इसमें करीब 55 रुपये टैक्स के रूप में आता है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने अब राज्य सरकारों, तेल कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ इस पूरे मसले को लेकर विचार करना शुरू कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि ऐसे रास्ते तलाशे जा रहे हैं जो कि उपभोक्ताओं को राहत दी जाए, सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ भी ना पड़े। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम मार्च या अप्रैल तक कम हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि तेल उत्पादक देशों में तेल के उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है, ताकि भारत की आम जनता को तेल की बढ़ी कीमत से राहत मिल सके। कोरोना के चलते खपत कम होने से तेल उत्पादक देशों ने तेल उत्पादन में को घटाया था, लेकिन अब हालात सामान्य हुए हैं तब भी उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लिहाजा LPG की खपत बढ़ी है और उत्पादन की कमी के चलते कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अब मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआती सप्ताह में LPG के दाम पर नियंत्रण संभव है। ऐसे में अगर पेट्रोलियम डीजल को GST के दायरे में लाया जाए तो इसकी कीमतें आधी हो जाएगी। हालांकि ये फैसला केंद्र सरकार या कोई एक राज्य सरकार नहीं कर सकती, इस पर फैसला GST काउंसिल को करना है। खुद पेट्रोलियम मंत्री भी इसकी सिफारिश कर चुके हैं। अब मान लीजिए पेट्रोलियम को GST के दायरे में लाया जाए तो कीमतें आधी हो सकती है। ऐसे में आइए समझते हैं यह कैसे हो सकता है। पेट्रोल की कीमत वर्तमान में करीब 90 रुपये के पार पहुंच गई है। इस पर केंद्र सरकार 32.98 रुपये यानी कि 32.98 रुपये लीटर एक्साइज ड्यूटी वसूलती है। इसका मतलब हुआ कि पेट्रोल पर बेस प्राइस से 100% से ज़्यादा टैक्स वसूला जाता है। अगर इसे GST के दायरे के अंदर लाया जाए तो देश में फिलहाल GST की मात्र 4 दरें हैं, जिसमें पहला दर है 5%, दूसरा 12%, तीसरा 18% और चौथा जो है 28% है। अगर मान लिया जाए कि पेट्रोल पर 5% GST लगाया जाए तो कितना प्राइस होगा? पेट्रोल की कीमत का जो बेस प्राइस होगा 31.82 रुपये, इसमें माल भाड़ा जुड़ेगा 28 पैसे और इसमें डीलर का जो कमीशन होगा 3.68 रुपये। अगर हम 5% GST के साथ अगर हम इसे देखते हैं तो यह 37.57 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से होगा, यानी कि 5% अगर हम पेट्रोल पे अगर GST लगाते हैं तो यह 37.57 रुपये पे होगा। अगर हम वही 12% GST की बात करें तो पेट्रोल की कीमत जो होगी वो 31.82 रुपये उसका बेस प्राइस है। अगर उसमें हम माल भाड़ा 28 पैसा जोड़ते हैं, उसके बाद डीलर का कमीशन 3.68 रुपये अगर हम जोड़े और 12% अगर हम GST जोड़ते हैं तो यह 40.07 रुपये पे पहुंचता है। अगर वहीं अगर हम तीसरी GST यानी कि 18% GST की बात करें तो इसका बेस प्राइस पेट्रोल का 31.82 रुपये, उसमें माल भाड़ा अगर हम 28 पैसा जोड़ते हैं, उसके बाद डीलर की कमीशन जो है 3.68 रुपये है, अगर हम 18% GST जोड़ते हैं तो इसका जो मूल्य होगा वह है 42.22 रुपये। वहीं अगर हम 28% GST की बात करें तो इसमें इसका जो बेस प्राइस होगा पेट्रोल का जो बेस प्राइस है वह है 31.82 रुपये, इसमें माल भाड़ा 28 पैसा जुड़ेगा, उसके बाद डीलर का जो कमीशन होगा 3.68 रुपये और इसमें 28% GST के साथ ये हो जाएगा 45.79 रुपये। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मात्र 45-46 रुपये तक जो है GST में जो है तेल की कीमत हो सकती है। अगर GST काउंसिल पेट्रोलियम पदार्थों पर GST लगाती है तो यह आम लोगों के लिए खुशखबरी होगी, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में वृद्धि होने से किसी भी व्यक्ति की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।
धन्यवाद।